नमस्ते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और दो UPSC 2020 का एग्ज़ाम जो है वो बहुत दिन दूर नहीं है, इसलिए मैं एक छोटी सी सीरीज जो है ये चला रही हूँ, जो जिसमें बहुत ही कम टाइम पे आपको अच्छा मटेरियल मिल सकेगा और बहुत ही छोटे छोटे से क्लिप्स होंगे वीडियो के, ताकि आपको रिवीजन करने में समय न लगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो बता दें कि जो आपका जितनी भी चीज़ें अभी अगर जिस साल पे वो चीज़ें घटित हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो इतिहास से उसका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो ये आपके घटना चक्र की मदद से लिया गया है, और इसमें इस वीडियो में जो है रॉलेट एक्ट की बात की गई और जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है रॉलेट एक्ट क्या है और जलियांवाला बाग ये मतलब इसकी पूरी क्या हिस्ट्री है। पहले तो 2019 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे, ठीक है, तो मतलब 2020 में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखें। अब सबसे पहले हम आते हैं, चलिए पहले ब्रश ले लें एक बार। चलिए रॉलेट एक्ट में बात करें, इसको सबसे पहले तो ये जो एक्ट था ये आपका वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। आपको चार ऑप्शन दे सकता है कि 1919 में कौन सा एक्ट आया था, तो आप ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट बोलते हैं। कौन सा एक्ट बोलते हैं? रॉलेट एक्ट बोलते हैं। वर्ष 1919 में आया था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। कभी कभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रॉलेट एक्ट को जो है उसका दूसरा नाम क्या था, तो बिना वकील, बिना अपील, मतलब कोई वकील की जरूरत नहीं, कोई अपील की जरूरत नहीं, कोई दलील की जरूरत नहीं, सीधे तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 1919 में एक्ट आया था, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए आया था। कब आया था? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, जी हाँ। जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय अपनी आज़ादी के लिए जो भारतीय लड़ रहे थे, तो वो उन लोगों के लिए जो था, ये ब्रिटिशर्स ने जो है रूल लगाया था कि मतलब जो भी इस आज़ादी मिलेगा तो हम उसको सीधे जेल में डाल देंगे, सर के कानून थे, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हुआ क्या था जलियांवाला बाग पे। अब आते हैं जलियांवाला बाग के केस पे आते, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जनरल डायर जो था, ठीक है, ये देखिए, जनरल डायर ने नियति भीड़ पर गोलियां चलवाई थी, ठीक है। जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो आपको पता है ये पंजाब में है, और उस समय की बात है कि ये पहली चीज़ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब में है, और इसमें 1000 लोग जो थे वो मासूम लोग मारे गए थे, जो कि वो वहाँ सिर्फ सभा करने आए थे, और जो जनरल डायर था वो सोचा कि ये सारे इकट्ठे होकर के जो है ये कोई मतलब क्रांतिकारी गतिविधि कर सकते हैं, और इस तरीके से था। और उसने नियति भीड़ पे गोली चलवाई थी, और लोग बेचारे कुएं पे कूद गए थे, कुछ लोग ऐसे मर गए थे, कोई लोग गोलियों से मर गए थे, कोई डर के मारे, क्योंकि जनरल डायर एक ऐसा घटिया इंसान था, उसने उस जो जिस जगह जलियांवाला बाग था उसके साथ 4 या 5 दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो निकल के भाग नहीं सके, उनकी माताएं थी, कुछ लोग गोली से बचने के लिए ये जो आपको कुआं दिख रहा है इसमें कूद गए थे। मतलब इतना जो है इतनी बुरी तरीके से हम लोगों को आज़ादी मिली है, बहुत लोगों ने जाने दी हैं तब आज़ादी मिली है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज लोग कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, पता नहीं कौन सी आज़ादी चाहिए, वो तो भगवान जाने। तो चलिए हम प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे आगे तो समझ गए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, वो आपको हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था, क्यों मतलब क्यों हुआ था, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो है बहुत सारे भीड़ जमा थी, और वो एक सभा कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने सोचा कि कोई क्रांतिकारी गतिविधि कर सकते हैं, ऐसे ये लोग इतने सारे भीड़ में रह के बात कर रहे हैं, और उसने 1000 लोगों पर मतलब उसने निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चलवाई, जिसमें 1000 लोग मर गए थे, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है, और आपको जैसे ही मैंने जगह बता दी कहाँ पे हुआ था, ये पंजाब में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इधर आते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हैं आप। जैसे पहला क्या है कि द अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल की भाषा में इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट क्या है, पहले तो वही मैंने आपको पहले बता दिया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का केस था पहला तो ये। दूसरा इसको क्या कह सकते हैं, द अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट को समान बोलचाल की भाषा में रॉलेट एक्ट कहा जा सकता है, मतलब रॉलेट एक्ट को, या फिर ये भी पूछ सकते द अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, समझ गए, ठीक है। दूसरा आते हैं आपका
मेन पॉइंट, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसको क्या बोलते हैं, सेडिशन समिति बोलते हैं। और ये कब बनी थी, 1917 में बनी थी। 1917 में कौन सी समिति बनी थी, तो ये ध्यान रखिएगा, सेडिशन समिति बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट, ठीक है, ये आपको लिखा है, अध्यक्ष कौन थे, सिडनी रॉलेट थे, तो इनकी अध्यक्षता में ये बनी थी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जलियांवाला बाग के बारे में। और जलियांवाला, एक सेकेंड, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था, ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था, महात्मा गांधी को। ये जो प्रश्न है कई बार आ चुका है बहुत सारे पेपर में, तो ये इतना ध्यान रखिएगा, मैं अपने वीडियो में जो भी पढ़ाऊंगी सिर्फ इम्पॉर्टेंट होगा और उससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आया होगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो आपको पता है कोई ना कोई वायसराय रहता है, चाहे वो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, उस समय ब्रिटिश की नीति थी। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जलियांवाला बाग के समय कौन सा वायसराय था, वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। और वह घटना जिसने मॉन्टेग्यो ने निवारक हत्या की संज्ञा दी, वो दी थी जलियांवाला बाग को, कहा था मॉन्टेग्यो था, उसने इस घटना जलियांवाला बाग की घटना को निवारक हत्या कहा था, ठीक है। यदि ये जो इससे के प्रश्न जो है बहुत बनते हैं और आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, मोतीलाल नेहरू के रिश्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, दिसंबर 1919 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, दिसंबर 1919 में। कौन सा, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन है, आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, ये हैं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मतलब वो अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी समय अमृतसर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, दिसंबर 1919 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सारे आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती जा रही हूँ, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में जिस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इतने जो मासूम लोग मारे गए थे और इतने लोग जो है उसमें बच्चे भी मर गए थे, तो ये सारे लोग जब मरे तो, और जितने हमारे जो भारतीय लोग थे जो कुछ प्रशासनिक सेवा में भी थे, सब बहुत ही नाराज हुए थे ब्रिटिश की इस कदम से, और उन्होंने, कई लोगों ने इसकी बहुत ही निंदा की थी, जिसमें से हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जब इनको ब्रिटिश ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि को जो है ये इसे वापस कर दिया था ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था हंटर कमीशन का, ये क्वेश्चन बन सकता है, हंटर कमीशन का गठन क्यों किया गया था। हंटर कमीशन का गठन जो है वो ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया था। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ओ डायर को 1940 में लंदन में मार डाला था, किसने मारा था, वो था ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह जो थे उन्होंने, वही जनरल डायर जिसने मासूमों के ऊपर गोली चलाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उसका 1940 में जाके उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी ऊधम सिंह ने, ठीक है, समझ के। ऊधम सिंह जो है उसने किसकी हत्या की थी, जनरल डायर की। और हत्या क्यों की थी, क्योंकि 1919 में उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में हज़ारों की जो है वो भीड़ पर उसने गोलियां चला दी थी, इसमें 1000 लोग मर चुके थे, मर गए थे, ठीक है। तो ये 1940 में मारा था। आगे चलते हैं, इसके बाद है आपका द अनारिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1919, इसको समान बोलचाल में क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट बोलते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति जिसको सेडिशन समिति कहते हैं, वो 1917 में बनी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित रॉलेट अधिनियम। अगर कभी पूछा जाए रॉलेट अधिनियम किसकी सिफारिश पर आधारित था, क्योंकि देखिए पहले कुछ ना कोई कमेटी बैठी होगी ना, वो सिफारिश देगी ना, तो वो सेडिशन कमेटी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसको सीमित करना, ठीक है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था उस समय पे, और इसका क्यों विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है। आगे चलते हैं,
इसके बाद आता है रॉयल एक्ट के विरोध में जिसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, वो था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जो थे इन्होंने रॉयल एक्ट के विरोध में, क्योंकि रॉयल एक्ट रॉयल एक्ट लाया गया था उसके विरोध में लगान ना देने का सबसे अपील की, तो एक आंदोलन चलाया था। और बाद में इन्हीं जो आपको बताएं श्रद्धानंद थे, इन्हीं को जो है मैं आपको अब्दुल रसीद ने जो है वो मार दिया था, ठीक है। स्वामी अब्दुल रसीद जो था उस समय, उसने अब्दुल रसीद जो मुसलमान था उसने स्वामी श्रद्धानंद को मार डाला था। और सबसे बड़ी बात ये है गांधी जी ने जो है वो अब्दुल रसीद को जो है अपना भाई कहा था, और स्वामी सिद्धानंद की मृत्यु पर उनको कोई दुख नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था, लेकिन स्वामी सिद्धानंद ने लाखों हिंदुओं को जो जिनको मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करके करके मुस्लिम बना दिया था, उनको बहुत सारे लोगों को हिंदू में घर वापसी कराई थी, और रॉयल एक्ट का भी विरोध करके बहुत सारे मतलब गली गली निकल कर उन्होंने लोगों को इसके बारे में समझाया था कि रॉयल एक्ट कितनी लोगों के लिए गलत है। लेकिन इसीलिए महात्मा गांधी को, पता नहीं लोग क्यों महात्मा गांधी कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बता दूं, मैं और चैनल वालों की तरह नहीं हूं कि मतलब जो किताब में लिखा है और जो गलत वामपंथियों ने इतिहास पढ़ाया है उसको वही बताएं, जो सत्य है, जो हम व्यवहारिक है, हम पढ़े लिखे, हमें व्यवहारिक ज्ञान आता है कि जिस मतलब आप एक इंसान किसी की हत्या कर दे और आप उसको बोलो कि हाँ ये ठीक है, अब्दुल रशीद का बचाव किया था महात्मा गांधी ने, तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया था, ठीक है। तो मुझे मेरे लिए जो है इस तरीके से ये जो महात्मा गांधी ने किया बिल्कुल गलत था, ठीक है। तो मैं वही चीज़ साथ में आपको सही भी बताऊंगी कि सही क्या था, बाकी आपकी भी समझ है, आप अपनी कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। मैं बस वो नहीं जो किताब में लिखा पढ़ा दिया, क्योंकि किताब में लिखा पढ़ा तो जो एक 4th क्लास का बच्चा भी वो पढ़ लेगा, लेकिन हम एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी के लिए भी आपकी आपको मानसिक रूप से तैयार होना क्या गलत है आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि कल आप पब्लिक सर्विस में जाने वाले हो, तो हमें कुछ पढ़ लेना ये समझ नहीं आता, या कोई एक मतलब गलत लोगों की इतिहास बता देना, तो आजकल समझदार हैं आप लोग भी। आगे चलते हैं, इसके बाद में है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम क्या था, रॉलेट सत्याग्रह था। जी हाँ, उस समय गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह जो है किया था, तो ये उनका पहला साहसी कदम माना जाता है। रॉलेट एक्ट जिस वायसराय के काल में पारित हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हमने आपको पहले ही बताया था कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ऊपर उस समय वायसराय था जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो टाइम पीरियड था, जो काल समय था, वो था 1916 से 1921, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉयल एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के अधिकृत किया था, मतलब मुकदमा ही नहीं चलाना सीधे जेल भेज दो, तो इसलिए जो है इसने सार्वजनिक लोगों में रोष उत्पन्न किया था। आगे चलते हैं, वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी थी, उसको रॉयल एक्ट का बनना बोला जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट जो है रॉयल एक्ट बना था, ठीक है। इसके बाद आते हैं, काफ़ी संख्या में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। जी हाँ, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल। आपको बता दें, एक प्रश्न ये भी बनता है कि आखिर जो जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित क्यों हुए थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की उन्होंने जो है गिरफ्तारी की थी, और ये दोनों जो ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, और ठीक है देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसी के विरोध करने के लिए जो जलियांवाला बाग में जो है कई लोग जो है वो उन्होंने जनसभा की थी, ठीक है। और ये हुआ कब था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, वो है शंकर नायन ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता थी उसके सदस्य कौन थे, शंकर नायर थे, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसके बाद में आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन, जय हो।